8th class students, a wonderful morning to all of you. Student, all of you have done your previous work. Now today we do chapter number 6, practical geometry. Practical geometry. Firstly, geometry construction. We have already learned, हम learn कर चुके हैं, means to say हम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, how to construct triangle in 7th class. In this chapter we shall deal with the construction of quadrilateral. A quadrilateral has 10 element, 4 side, 4 angle and 2 diagonal. Out of these 10 elements, at least 5 element are compulsory to construct a unique quadrilateral. Now we shall learn how to construct a unique quadrilateral when the following information is given. Firstly, if they give you लेंथ ऑफ फोर साइड, या तो उन्हें लेंथ ऑफ फोर साइड और वन डायगनल दिया होगा, या फिर लेंथ ऑफ थ्री साइड और टू डायगनल, लेंथ ऑफ टू एडजेंस्ट एंगल और थ्री एंगल्स, थ्री साइड और टू इंक्लूडिंग एंगल, और फोर साइड एंड वन एंगल. नाउ स्टूडेंट, इन द 6.1 वी स्टडी अबाउट द लेंथ ऑफ फोर साइड एंड वन डायगनल. दिस फर्स्ट स्टेप. सो स्टूडेंट, व्हाट दे गिव यू इन एक्सरसाइज 6.1, construct a quadrilateral ABCD in which AB this, BC, CD, DA and AC. So student, how we can solve? They give you firstly in the quadrilateral naming form mein chalta hai. So A, B, C, D. इस तरह से हमें क्या करना है, एक quadrilateral शेप में इसके चार कोनों पे नेम लिख देने हैं. हम यूँ भी लिख सकते हैं ए बी सी डी, यूँ नहीं लिख सकते हैं कि ए बी सी डी, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है. तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह सेंटर में चलाएंगे या फिर हम इसको इस तरह सेंटर में चलाएंगे. सो स्टूडेंट, हमें देखो सबसे पहले क्या दिया है, बीच में क्या है हमारा ए सी. ए सी क्या दे रखा है हमें, 7 सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ स्केल वी टेक द 7 सेंटीमीटर लाइन. दिस इज द 0 पॉइंट and this is the 7 centimeter. 0 to 7 we take this line and we can write here 7 centimeter. This is the corner point and this is the corner point AC. We take this. After that we take AC ke baad kya hai hamara, AB. AB is 6 centimeter. So we take a compass like that and put the pencil into the compass and टिक 6 सेंटीमीटर लाइन. 6 इज हेयर. 6 से हम यहाँ कॉर्नर पॉइंट तक एक लाइन लेंगे और दिस इज़ द ए बी. सो बी हमारा नीचे की साइड है तो हमने यहाँ पे एक क्या किया है, आर्क लगा दिया है. स्टूडेंट, आफ्टर दैट क्या है, हमें बी सी गिवन है. बी सी हमें क्या दिया हुआ है, 3.5. बी सी इज 3.5. देन वी ओपन द कंपास 3.5 सेंटीमीटर टू एंड पॉइंट एंड देन बी bisect this. After that CD. CD is 4.5. So 4 से थोड़ा सा ऊपर 5 पॉइंट एंड हेयर क्या है ये हमारा CD. C से हम D की साइड एक आर्क लगा देंगे. After that DA. DA हमें क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर. हमने 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन किया और DA है तो A के ऊपर रखे और D की साइड एक आर्क लगा देंगे. स्टूडेंट, ये कट नहीं हुआ है तो कोई नहीं, हम इस आर्क को थोड़ा सा लंबा और कर देते हैं. आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ए को मिला देना है और ए डी कितना था हमारा, ए डी या डी ए, 4 सेंटीमीटर लिख देना है. आफ्टर दैट सी डी. सी डी 4.5 था तो हमने इसको यहाँ से सेंटर पॉइंट पे मिला दिया, यहाँ लिखते हैं हमने 4.5 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट दिस इज ए बी. ए बी कितना था हमारा, 6 सेंटीमीटर, हमने यहाँ लिख दिया 6 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट बी सी 3.5. इस सेंटर पॉइंट से हमने सी को मिला दिया एंड दिस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड वी मेक ए क्वाड्रिलेटरल. सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस सम. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सम, दिस कंप्लीट एक्सरसाइज इज डिपेंड. सो यू कैन डू the complete exercise of this 6.1 in your fair notebook and according to this you can write the construction of the quadrilateral. I hope student you all understand. Stay home, stay safe and do your work.
थैंक यू।